हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जूलॉजी की बुक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोर डेटा की थर्ड यूनिट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एम्फीबियम में पैतृकरण, पेरेंटल के इन एम्फीबियंस। ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में पूछा जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि हमको पता होना चाहिए कि पैतृकरण क्या होता है, पेरेंटल केयर क्या होती है। फिर हमको ये पता होना चाहिए कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं एम्फीबियम में पैतृकरण के, और बाकी हमको इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है वो इसकी एग्जाम्पल हैं, तो किस में कैसे पेरेंटल केयर होती है वो याद रखना है। बाकी इसमें समझने की तो कोई चीज़ है नहीं, डायरेक्ट उसको याद ही करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि एम्फीबिया में पैतृकरण जो होते हैं वो दो प्रकार के पैतृकरण पाए जाते हैं, और जो इसकी डेफिनेशन है वो हमने जो प्रीवियस वीडियो में लिखी थी वही की वही हमको डेफिनेशन इसमें भी लिखनी है कि माता पिता द्वारा शिशुओं हो गए या फिर अंडों की रक्षा तब तक करना जब तक कि वह अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर लेते, या फिर परभक्षियों से स्वयं की रक्षा स्वयं नहीं कर लेते, तो हम इसको क्या कहते हैं, पैतृकरण कहते हैं। ठीक है, उसी बात हम देख सकते हैं कि एम्फीबिया में दो प्रकार के पैतृकरण पाए जाते हैं। पहला होता है घोंसले या शिशु पालन गृह तथा आश्रय द्वारा सुरक्षा, और दूसरा होता है जनकों द्वारा प्रत्यारक्षण। ठीक है, एक एक करके हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं घोंसले या शिशु पालन गृह तथा आश्रय द्वारा सुरक्षा। मेंढक जो होते हैं अपने अंडे जल स्रोत के निकट नम भूमि पर देता है। ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर क्या एग्जाम्पल होता है, मेंढक ही होता है, सेलामेंडर होते हैं, सब होते हैं, तो हम इन सब की बात करेंगे एक एक करके। तो मेंढक क्या करता है, अपने अंडे जल स्रोत के निकट नम भूमि पर देता है। अनेक वृक्षों पर रहने वाले उभयचर जैसे रेकोफोरस, सेंट्रोलेनेला, हाइलोडिस जातियों के जो मेंढक होते हैं अपने अंडे जल में लटकी हुई टहनियों व पत्तियों पर चिपका देते हैं। ठीक है, जो जल के ऊपर जो टहनियाँ लटकी हुई होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, उनमें चिपका देते हैं। इस प्रकार इन अंडों के स्फुटन के बाद जो इनमें से टेटपोल निकलते हैं वो डायरेक्ट कहाँ पर आ जाते हैं, डायरेक्ट जल में गिर जाते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ इनके कायांतरण की क्या होती है, कायांतरण की क्रिया होती है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया कहाँ पर होती है, वहीं पर होती है, जल के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि पहला इसके बारे में टाइप देखते हैं कि इसके 5-6 टाइप को देखना है और एज इट इज़ हमको लिखना है। पहला है स्थान का चयन। रेकोफेरस एम्फीबियन की जाति में मादा क्या करती है, जल से भरे धान के खेत में पानी में गड्ढा कूदकर बिल बनाती है। ठीक है, फिर इसे झाग से भर देती है। मादा अपने अवस्कर से स्त्रावी श्लेष्मा को क्या करती है, अपने पिछले पादों से पीट पीट के क्या करती है, झाग बनाती है। ठीक है, फिर इसमें अंडे देती है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार जो ये घोंसला बनाती है उसके अंदर अंडे देती है ना। अब दूसरा जो इसका टाइप है मतलब एग्जांपल है इसका क्या है, हाइला नेब्यूलोसा, ये भी एक प्रकार का मेंढक है। इसमें क्या होता है, सीधा परिवर्तन या परिवर्धन होता है। ठीक है, ये सूखी पत्तियों से बनाए गए घोंसले में अंडे देता है और इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, मतलब एक ही ये टाइप होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं है, ये सीधे ही शिशु जो होते हैं मेंढक में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है वृक्ष नीड, यानी कि वृक्ष के ऊपर जो घोंसला होता है वो, तो हाइला रेजिन फैक्ट्रिस जो एक प्रजाति है मेंढक की हाइला की, इनकी मादा क्या करती है, वृक्षों की जो सुराख होती है में अंडे देती है, वृक्षों के सुराखों में अंडे देती है। इन सुराखों में वर्षा का जल जो होता है भरा रहता है। ठीक है, और टेटपोल यहाँ परभक्षियों से सुरक्षित रहकर क्या हो सकते हैं, परिवर्तित रह सकते हैं, क्योंकि जो वृक्षों की सुराख होगी वह परभक्षियों से भी क्या होगी, सुरक्षित होगी। ठीक है, अब जो इसका तीसरा जो इसका चौथा जो एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, वो है पंख या कीचड़ नीड। ठीक है, तो हाइला फेबर जो ये मेंढक की जाति है वो क्या करती है, वृक्ष पे रहने वाले उभयचर होते हैं, पर इनका जो नर होता है वह छिछले जल में कीचड़ में अपने शिशु पालन गृह बनाता है। जो किस टाइप की होती है, जिनकी जो शेप होती है वो होती है ज्वालामुखी टाइप की आकृति का होता है। ठीक है, मादा इसमें अंडे देती है और स्फुटन के उपरांत टेडपोल इसी स्थान पर क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ठीक है, परिवर्तित कर लेना इसको, ये परिवर्तित लिख रहा है थोड़ा। ठीक है, अब जो अगला जो इसका एग्जांपल है वो क्या है, फैन नीड, यानी कि वो झाग वाला जो पहले भी एक देखा था हमने उस टाइप के, तो लेप्टोडेक्टाइलस मिस्टेसिनस जो एक जाति है मेंढक की, तो जल की या फिर जो क्या करते हैं, जल स्रोत के निकट कीचड़ में गड्ढा खोद कर इसे झाग से भर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, जेली समान पदार्थ जो होता है अंडाशय से जो होता है स्त्रावित किया जाता है तथा इसमें अंडे दिए जाते हैं। ठीक है, अब जब लार्वा स्फुटित होते हैं तो बरसात के जल से घोंसले फूलकर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं या फिर बड़े हो जाते हैं, एवं लार्वा जो घोंसले जो हो जाएंगे फूट जाएंगे। ठीक है, एवं लार्वा जो जल में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जनकों द्वारा प्रत्यारक्षण कैसे किया जाता है, सेकंड टाइप है इसका, इसके भी हम एग्जांपल देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसमें अंडों के चारों ओर कुंडल बनाना। ठीक है, तो कुछ जो उभयचर यानी जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या करते हैं, अंडों के चारों ओर कुंडल बनाकर उनकी रक्षा करते हैं, जैसे कि इक्थियोफिश हो गया, सेलामेंडर हो गया, कांगो ईल हो गया। ठीक है, कि मादा क्या करती है, जल के निकट नम बिल होते हैं या भूमि या लट्ठों के निकट, यानी कि जो पेड़ के जो पड़े रहते हैं उसके लट होते हैं, उनके निकट क्या करते हैं, अंडे देकर उनकी सुरक्षा करती है। ठीक है, ये क्या करती है कि अंडे जो ये अंडे होते हैं परस्पर चिपके होते हैं और इनके चारों ओर घेरा बना के बैठी रहती है। ठीक है, यदि सुरक्षा करने वाले मेंढक को अंडे के स्फुटन से पूर्व अलग कर दिया जाए तो ये अंडे जो होते हैं सूख जाते हैं या फिर शिकारी द्वारा खा लिए जाते हैं, मतलब इनका परिवर्धन नहीं होता है। ठीक है,
इसका डायग्राम भी बनाना है, मैं लास्ट में बता दूंगा डायग्राम कैसे हैं इसके, ठीक है। और उसको आप चाहो तो लास्ट में एक साथ बना सकते हो, या फिर एग्जांपल ये जो भी कोई एक टाइप का जो डिस्क्राइब कर दिया उसके बाद भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसका सेकंड एग्जांपल या फिर सेकंड जो इसका टाइप है वो है टेडपोल का जल में स्थानांतरण, ठीक है। तो अमेरिका के उष्णकटिबंधीय विषैले मेंढक अपने अंडे भूमि पर देते हैं तथा एक जनक इनके साथ क्या होता है, बना रहता है। अब जब तक कि अंडे स्फुटित होकर टेडपोल नहीं निकल आता है, जब तक वो क्या होता है, जनक इनके साथ ही बना रहता है, एक जनक, ठीक है। अब टेडपोल की वयस्क जो होते हैं, टेडपोल वयस्क की क्या करते हैं, टेडपोल जो होते हैं वयस्क की बॉडी से जो होते हैं चिपक जाते हैं, ठीक है, तथा जल में भी साथ बने रहते हैं, ठीक है। तो पनामा जो नहर है में एक विशेष प्रकार का मेंढक कोलस्टियस इंगुइनेलिस जो होता है कि मादा एक सप्ताह तक जो होती है टेडपोल को साथ रखती है, ये स्वयं भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं, तब मादा क्या करती है, इन्हें अकेले छोड़ देती है ना। अब यह कि उभयचरों द्वारा जो पैतृक रक्षण है, मतलब कि प्रत्येक रक्षण जो एक जापान पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उभयचरों द्वारा प्रत्येक रक्षण के दौरान कुछ विधियां भी प्रयुक्त की जाती है जिनका अपन देखेंगे। तो फर्स्ट जो इनका मेथड होता है वो होता है देह से आसंजन, ठीक है। अनेक उभयचर क्या करते हैं, अंडों को अपने साथ रखकर इन्हें अपनी देह से जो होते हैं चिपका लेते हैं, ठीक है। अंडों को अपने साथ रखकर कहाँ पर चिपका लेंगे, देह से चिपका लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि जो डेस्मोग्नेथस फस्कस की जो मादा होती है अंडों की लड़ी को अपनी ग्रीवा में क्या करती है, ग्रीवा में रखती है, तथा इन्हें लेकर तब तक घूमती है जब तक कि अंडे स्फुटित क्या नहीं होते हैं, स्फुटित ना हो जाते हैं, ठीक है। और इलाइटस जो है, इलाइटिस जो मेंढक होता है, इलाइटिस ओबस्टेट्रिकेंस की जो मादा अंडे देती है, ठीक है, जिन्हें नर क्या करता है अपने पश्चपादों को चिपकाकर जो होता है, पश्चपादों से चिपका लेता है, उन अंडों को पश्चपादों से चिपकाकर स्फुटित होने तक अपने साथ लेके घूमता है ना। अब जो एंथेरो जो लेप्टस मेंढक है, मैं मादा नम भूमि पर अंडे देती है। अब किंतु क्या होता है, इनमें कि स्फुटन के बाद निकले हुए जो टेडपोल लार्वा जो होती है उनको क्या करती है कि अपनी पीठ पर जो होती है चिपका कर जो होती है साथ में लेकर घूमता है, ठीक है। किंतु स्फुटन के बाद निकले हुए टेडपोल लार्वा को अपनी पीठ पर लेकर घूमती है, ठीक है, जब तक कि टेडपोल वयस्क में कायांतरित नहीं हो जाते, तब तक क्या करती है, अपनी पीठ पर लिए इनको घूमती है। अब कुछ में क्या होता है, शिशुदानी में परिवर्धन हो जाता है, ठीक है। कुछ जातियों के जो मेंढक में क्या होते हैं, शिशुदानियाँ पाई जाती है, ठीक है। इनकी मादा क्या करती है, अपनी पीठ जो होती है पर खुली अंडाकार गर्त समान जो रचना होती है में, या एक बंद धानी में क्या करती है, अंडे या टेडपोल को धारण किए देती है, ठीक है। यहीं पर इन टेडपोल जो होते हैं वयस्क में परिवर्तित जो होते हैं या परिवर्धित जो होते हैं, ठीक है। अब पाइपा में मादा पीठ पर जो होती है अंडधानी जो होती है उसमें अंडे रखती है, ठीक है। पाइपा में मादा पीठ पर अंडधानी में अंडे रखती है। इनकी त्वचा क्या होती है, तो जनन काल में संवहनी कोमल जिलेटिनी हो जाती है, ठीक है, जिससे नर क्या होते हैं निषेचित अंडों को इसमें दबा कर रख देते हैं, है ना। तो नर क्या करते हैं, जो निषेचित अंडे होते हैं इनको इसमें दबा कर रख देते हैं, जिस जो क्या होती है पीठ पर अंडधानी जैसी संरचना बन जाती है उसके अंदर अंडे रख देते हैं, ठीक है। अब भ्रूणधनी समान अंग में परिवर्तन, ठीक है। राइनोडर्मा डार्बिनेन जो जाति के जो मेंढक होते हैं, नर मेंढक अपने वाक कोश का उपयोग क्या करते हैं, जनन काल में भ्रूणधनी के रूप में करते हैं, ठीक है। तो अपने जो वाक कोश होते हैं, ठीक है, जिनसे मेंढक की आवाज़ आती है टर-टर, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अंडे रख लेते हैं जब तक कि, और जब जब अंडे परिवर्तित हो जाते हैं तब उनको मुँह से क्या होते हैं, ये शिशु मेंढक निकल जाते हैं ना। तो ये भ्रूणधनी के रूप में क्या करते हैं, वाक कोशों के अंदर अंडे रखते हैं ना। उसके एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि हाइलेमबेटिस जो होते हैं, हाइलेमबेटिस ब्रेवी सेप्स की जो मादा होती है अपने अंडे को मुख गुहा में जो होती है रखकर घूमती है। और रियो बेट्रेकस सिलस मादा क्या करती है, अपने अंडों को आमाशय में रखती है तथा कायांतरण के बाद टेडपोल जो होते हैं मुख से बाहर आते हैं, ठीक है। अब इनमें किस में जो होती है जरायुषता भी पाई जाती है। कुछ एन्यूरा जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस के जो अलग अलग क्लासें हैं, ठीक है, तो उसमें जो होती है कुछ एन्यूरा एम्फीबियंस अंड जरायुज होते हैं ना, मादा अंडों को अंडवाहिनी में रोक लेती है जहाँ से जीवित शिशु बाहर निकलते हैं। क्या करते हैं कि जो अंडे होते हैं इनको बाहर नहीं निकालते हैं और अंडवाहिनी में ही रोक लेती है मादा। अब वहाँ से अंडे से जो क्या होगा कि टेडपोल ये परिवर्तित होता है और शिशु में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वहाँ से जीवित शिशु बाहर निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, डेमोफिलस सेलामेंडर एड्रा, इन सब में ये सब पाई जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे कुछ थे एग्जांपल जिसको हमको याद रखना है एम्फीबियंस के अंदर पेनिटल केयर में, और इसके डायग्राम भी बनाना है तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार। तो एम्फीबियंस में जो पितृरक्षण है उसके ये चित्र आप देख सकते हैं। जैसे इक्टियोफिश में क्या करती है, अंडों के चारों ओर कुंडलन बना लेती है, अंडों को अपने अंदर ये दबा के रख लेती है, ठीक है। तो ये ऐसे जो डायग्राम है ये आपको ये क्वेश्चन आएगा उसके अंदर, या तो जो एग्जांपल है उसके बाद बना सकते हो, लास्ट में भी एक साथ बता सकते हो। ये एलाइटिस के अंदर पितृरक्षण है ना। और
ये हो गया सेलामेंडन पितरावीक्षण, ये क्या करती है कि जो अंडे जो आपस में चिपके रहते हैं इनके चारों ओर कुंडल बना के रहती है ना। और ये चौथा जो है ये डायग्राम, ये पाइपा अमेरिकाना का है, जिसमें पितरावीक्षण में क्या हो रहे हैं कि इनकी जो त्वचा है वो क्या होती है, जिलेटिनी हो जाती है, और उस पर क्या होता है कि ये जो अंडे होते हैं चिपक गए। ठीक है, ऐसे ये डायग्राम बना के भी आपको बताना है इसमें। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आता है 10 नंबर का तब। ठीक है।